चुनावी सरगर्मियों के बीच शाहबाद विधानसभा सीट पर बड़े राजनेताओं ने भी ताल ठोकनी शुरू कर दी है। शाहबाद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण बेदी के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश के युवा भाजपा नेता और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर पहुंचे, जिन्होंने कृष्ण बेदी के समर्थन में रतनगढ़ और रावगढ़ में चुनाव प्रचार दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कई वर्षों से पिछड़ा हरियाणा अब भय और भ्रष्टाचार से मुक्त और बदलाव चाहता है। मुझे लगता है कई वर्षों से पिछड़ा हरियाणा अब मुक्ति चाहता है, बदलाव चाहता है, भय और भ्रष्टाचार के माहौल से मुक्त होना चाहता है। 15 तारीख को हरियाणा के 15 वर्षों का पाप खत्म करेंगे और यहाँ पर भाजपा की सरकार बनाकर एक नया अध्याय की शुरुआत करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले जो भिवानी केंद्र हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने ये कहा कि जब बाप बैठा है बेटों की आवश्यकता नहीं है, तो इस स्थिति में आप क्या कहेंगे जो राजनीति में बाप और बेटे? देखिए, कोई जेल में बैठा है और कोई जेल जाने की तैयारी कर रहा है। हरियाणा को जेल जाने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले नेता नहीं चाहिए, इसलिए मैंने पहले भी कहा भय और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाएंगे, यही हमारा संकल्प है। एक साफ सुथरी ईमानदार सरकार हम यहाँ पर देंगे, यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, यहाँ के किसान को उचित दाम देंगे, यहाँ की बेटी को सुरक्षा देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे और साफ पानी पीने के लिए देंगे, हरियाणा को सही मायनों में नंबर 1 बनाएंगे। अनुराग का ये दावा कितना सही होगा ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। इंडिया 24 के लिए शाहबाद से परमिंदर सिंह की रिपोर्ट।